हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं शीला चौबे सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल हाजीपुर से मॉन्टेसरी 3 के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। एक वर्कशीट तैयार किया है बच्चों आपके लिए। आपने पिछले वीडियो में बड़ी की मात्रा तक पढ़ लिया है, आज मैंने सिर्फ आ की मात्रा से कुछ वर्कशीट तैयार किया है जिसे आप लोग को बनाना है। ये यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, वर्ण में ये आ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण और इसको अपने नोटबुक में आप लोग लिखेंगे। क प्लस आ की मात्रा का, ख प्लस आ की मात्रा खा, पिछले वीडियो में मैंने क्लास लिया है, आप इसको जोड़कर लिखेंगे और यहाँ उच्चारण करेंगे। हमारा दूसरा वर्कशीट जो है ये शब्द संरचना है। आ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ कल लिखा है, इसमें आ की मात्रा लगाकर काल, जल, जाल, बल, बाल, भर, भार, कन, कान, दम, दाम, तल, ताल, इस तरह से बनाकर आप नोटबुक में लिखेंगे। नए नए शब्द सीखेंगे और शब्द को पढ़ना सीखेंगे। फिर यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर आपको लिखनी है। म प्लस आ की मात्रा, ल प्लस आ की मात्रा क्या बना? माला। आप इसे जोड़कर लिखेंगे और पढ़ेंगे। त प्लस आ की मात्रा, ल प्लस आ की मात्रा ताला। इस तरह यहाँ पर नाव, हाथ, नाम, मामा, छाता, ये आपको कैसे जोड़कर बनाना है इसको आपको अभ्यास करनी है। इस वर्कशीट में आपको यही लिखना है। यहाँ पर मैंने 3 अक्षर के शब्द दिए हैं, इसे जोड़कर आपको पढ़नी है और लिखनी है। ब प्लस आ की मात्रा, द प्लस ल बादल बना। यहाँ पर ये गाजर है, जोड़कर आपको लिखनी है। अनार, पहाड़, रामायण, समाचार, पाठशाला, अखबार, ये कैसे बनेंगे इसको आपको जोड़कर यहाँ पर इसे तैयार करनी है। फिर यहाँ पर मैंने गाजर का चित्र बनाया है, इस चित्र को देखकर आपको सही शब्द कैसे हैं, कौन से होंगे, इसको आपको अपने नोटबुक में लिख डालनी है। जैसे ये गाजर का चित्र है, कौन सा स्पेलिंग इसमें गाजर सही है उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ गजार, गाजर, गर्जा लिखा है। मटका, माटका, मटाका। नावा, नवा, नाव, कौन सा सही शब्द है इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे जिससे आपको स्पेलिंग लिखने सही आ जाएगा। यहाँ पर वाक्य संरचना है, चित्र देखकर सिर्फ यहाँ उसको भर देनी है। जैसे ये गाजर है, गाजर, इसको आप फिर पढ़ेंगे। कमल, गाजर लाया, एक वाक्य बना। इसी तरह से अनवर किस चीज़ का चित्र है? ताला। अनवर ताला लगा। सरला, माला पहन। चार टमाटर ला। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य बनाना सीखिए और पढ़िए। अगले वीडियो में हम लोग छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। धन्यवाद।